देखिए, एज अ सीईओ काशी विश्वनाथ टेम्पल ट्रस्ट, मैं इस पूरी बात की पूर्णतः जिम्मेदारी लेता हूं कि हमारे यहां क्या मलबा निकल रहा है। अगर मलबा को निकालते समय कहीं भी कोई भी विग्रह, कोई भी शिवलिंग, कोई भी मूर्ति यदि मिलती है तो तत्काल निर्माण का जो ध्वस्तीकरण का कार्य है उसको रोक दिया जाता है। रोकने के बाद हमारे पास वीडियोग्राफर है, फोटोग्राफर है, जो 24/7 ऐसे सभी स्थानों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। उसके बाद जो तोड़ने वाले ठेकेदार हैं उनको लिखा पढ़ी में भी और अदरवाइज भी उनको निर्देशित किया गया है कि ऐसा कहीं पे भी होता है तुरंत निर्माण जो ध्वस्तीकरण का कार्य है उसको रोकें। और हमारे यहाँ जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, जो पुनीत धवन और योगेंद्र गर्ग, उनका मोबाइल नंबर सभी ठेकेदारों के पास है, तत्काल इनसे संपर्क करें। फोटोग्राफर को तुरंत वहाँ उस साइट पर बुलाएं, बिकॉज 200 साइट्स हैं, उस साइट पर बुलाएं और उनकी पूरी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी होने के बाद किसी अधिकारी की उपस्थिति में ही आगे का ध्वस्तीकरण का कार्य किया जाए। और साथ ही जो मलबा उठाया जाता है, मलबा उठाने के लिए जो ठेकेदार हैं उनको स्पष्ट निर्देश है कि चूंकि हमें सुबह अगले दिन दर्शनार्थी 4 बजे शुरू हो जाते हैं, उनके आने से पहले पूरी गलियां और सड़कें साफ़ करनी होती हैं, तो जैसे ही मलबा हटाया जा रहा है, मलबा हटाए जाते समय कौन सा ट्रैक्टर वाला है जो मलबा ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा, ये सब कुछ लिखा पढ़ी में बाकायदा पर्ची से उनको बताया जाता है। और मलबा फेंकने के बाद चूंकि उनको सफाई भी करनी होती है तो हमें इस पूरी प्रक्रिया पर बहुत कड़ा नियंत्रण रखना होता है। और ये कहना सर्वथा पूर्णतः गलत एवं कूटरचित है कि मलबा कहीं से भी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर के क्षेत्र से निकाल कर फेंका गया है, और इसमें सत्य कहीं से भी मुझे प्रतीत नहीं होता है कि ये पूरा एक पॉलिटिकल कंस्पिरेसी का रूप लगता है। पूरा जो मलबा उठाकर वहाँ पर रखा गया, जिसको बाद में यह प्रचारित किया गया कि ये शिवलिंग हमारे मलबे से निकल के आए हैं, और एकाएक इस पूरी एक्टिविटी में इतनी वृद्धि होना, ये अपने आप इंगित करता है कि कौन से लोग हैं, उनको किसको इसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी लाभ की आशा महसूस हो रही है कि इस तरह की अफवाह उड़ाकर जनभावना को आकर्षित किया जाए। और नाम लोग अब तो स्वतः FIR दर्ज कराने से लेकर हर तरह के प्रचार प्रसार में लगे हैं, तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि ये वही लोग।